पार्टी में टीकाकरण सेंटर व बैंक का एसडीएम ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक निर्देश। पार्टी नगर के बोकराटा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा व मॉडल स्कूल में संचालित कोरोना टीकाकरण सेंटर का शुक्रवार को एसडीएम घनश्याम धनगर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पहुंचे, यहां पर उपभोक्ताओं को सोशल डिस्टेंस से खड़े होने की समझाइश दी। साथ ही शाखा प्रबंधक को भी निर्देशित किया कि बैंक में कैश के 3 काउंटर शुरू करें ताकि भीड़ नहीं हुए। वहीं एसडीएम ने बताया कि पार्टी में 3 बीसी काम कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 10 बीसी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एसडीएम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर टीकाकरण सेंटर का जायजा लेकर टीकाकरण के लिए आए लोगों से चर्चा की। साथ ही एसडीएम ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई है, सुबह 8:30 बजे टीकाकरण सेंटर पर टोकन लेकर टीका लगवा सकते हैं। एक दिन में 100 लोगों को टोकन दिया जा रहा है, टोकन के आधार पर ही टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंस सहित अन्य उचित व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान तहसीलदार आशा परमार, नायब तहसीलदार संजय चौहान, बीएमओ डॉक्टर देवेंद्र वास्कल, सीडीपीओ प्रकाश रंगशाही भी मौजूद रहे। में आज से ऑन साइट पंजीयन के आधार पर टीकाकरण चालू हुआ है, उसके संबंध में निरीक्षण के लिए आज हमारी टीम के साथ हम लोग आए थे। सभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल रही है, कुछ और है टोकन देने के संबंध में ताकि की भीड़ ना हो, इसके संबंध में भी निर्देश दिए हैं जिसका कल से पालन सुनिश्चित हो गया। कुछ लोगों में कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन को लेकर कुछ नॉर्मल होकर हो गया था, बाकी स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा कुछ बड़ी चिंताजनक स्थिति नहीं। सर बैंक का भी निरीक्षण किया? बैंक में भी है, बैंक में क्या है कि हमारे पार्टी वाले क्षेत्र में सिर्फ एक ही बैंक है, इसके कारण ट्रांजेक्शन को लेकर बड़े बहुत सारे लोग आते हैं जिसके कारण भीड़ रहती थी। अभी बैंक मैनेजर को निर्देश भी दिए हैं, वहाँ 3 काउंटर चालू हो गए हैं, साथ ही 3 बीसी पार्टी प्रॉपर में काम कर रहे हैं, 10 बीसी रूरल एरिया में भी काम कर रहे हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी भीड़ हो उसको डिसेंट्रलाइज करके ताकि एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो।